राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर ने ऊना जिला स्थित धुसाड़ा कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आगामी 25 वर्ष देश की भावी पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इन 25 वर्षों को अमृतकाल की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों के उपरांत देश का भविष्य क्या होगा, वर्तमान में इस बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे सकता है ताकि हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को सकारात्मक दिशा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। इससे पूर्व राज्यपाल ने स्कूल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल पुणे के निदेशक रामडी रैना ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया और स्कूल की विभिन्न गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। जोड़ मेले में उपस्थित रहा हूँ, मेरी बहुत इच्छा थी, मैंने सुना भी था इस मंदिर के बारे में क्या हुआ वगैरह, तो आज प्रत्यक्ष रूप से देखने का मुझे अवसर मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता है, इसलिए मैं यहाँ आकर देखा। मैंने इस जोड़ मेले में सुंगड़ा के जो यहाँ सुंगड़ा जो परिवार ने बलिदान अपने कष्ट सब कुछ यहाँ दिए हैं और एक समाज को एकत्र रखने का ये जो प्रयास चल रहा है वो बहुत ही आवश्यक है। मैंने देखा उसको लिखित रूप में इतिहास के रूप में लागे लाने की आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर परिसर है, गुरु रविदास की कृपा है, इसलिए ये सब हो पाया है। मुझे लगता है आने वाले समय में समाज को इकट्ठा रखने के लिए गुरु रविदास की सीख, उनका मार्गदर्शन यहाँ के सभी उपस्थित लोग अपने आचरण में लाएंगे और समाज में एक अच्छा भेदभाव विरहित ऐसा माहौल निर्माण करेंगे, यही मेरा इच्छा।